Hello guys, first of all, I would like to thank Lord Jesus Christ, my family, my YouTube family and my Instagram family. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज आज नहीं हो पाता. गैस, काफ़ी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें मोनेटाइजेशन का मतलब नहीं पता क्योंकि वो यूट्यूबर नहीं है या यूट्यूब के बारे में इतना नॉलेज नहीं रखते. सो उनके लिए मैं बता देता हूँ, यूट्यूबर एक मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होता है. जो भी यूट्यूबर होते हैं, जो भी क्रिएटर्स होते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया होता है. हमारी टोटल वीडियोज़ में 4000 घंटे होने चाहिए वॉच टाइम, और एक साल के अंदर ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए. अगर ये कंप्लीट हो जाता है, ये प्रोसेस अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो ही हम एलिजिबल होते हैं यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए. गैस, काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें खुश होने वाली इतनी क्या बात है, चैनल पर सिर्फ मोनेटाइजेशन ही ऑन हुआ है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हुआ. चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, तो इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहा है ये बंदा. तो गैस, आपको इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसका आंसर इस वीडियो में ही है. और सभी जो यूट्यूबर्स होते हैं, उनकी पहली खुशी यही होती है. सो गाइज, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पर आना चाहते हैं. और अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखना, पूरा देखना. गाइज, सबसे पहले मेरे पास एक चैनल हुआ करता था जो मैंने 2015 में शुरू किया. और 2015 में मुझे अच्छी खासी नॉलेज थी, मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था जितना मैं अभी हो चुका हूँ. लेकिन गाइज, मैं आपको एक बात बता दूँ, आपकी नॉलेज सब वेस्ट हो जाती है. आपके पास जितना भी ज्ञान हो सब वेस्ट हो जाता है जब उस ज्ञान को, उस नॉलेज को आप अप्लाई नहीं करते. तो गाइज, मैंने यहाँ पर 2015 में उस चैनल पर काम किया और उस टाइम मोनेटाइजेशन का कोई फीचर नहीं हुआ करता था. उस टाइम डायरेक्टली आप वीडियो डालते हैं और ऐप एनेबल कर सकते हैं मोनेटाइजेशन को. उस समय मेरे पास पूरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी. अगर मैं उस वक्त से लेकर अभी तक रेगुलर काम करता तो उस चैनल पर मेरे 5 मिलियन तक वहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर हो सकते थे, हो जाते 100% हो जाते. उसमें मेरे से एक गलती होगी जिसमें मैंने किसी और का कंटेंट यूज़ किया और वो चैनल हो गया टर्मिनेट. 2015 की ही बात है, 2015 में ही वो चैनल टर्मिनेट हो गया. थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था कि अब काम कैसे किया जाए यार, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया. फिर उसके बाद अचानक से मेरे पास मन आया कि भाई चलो दोबारा किया जाए. 2017 के मार्च में इस चैनल को क्रिएट किया एंड इस चैनल का नाम उस टाइम था बूस्ट नॉलेज. 2017 से 2018-19 बीच 2020 तक मैंने काम ही नहीं किया. 2020 में फिर मैंने क्या किया, 2020 में मैं थोड़ा सीरियस हुआ अपनी लाइफ को लेकर. सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे सीरियस होना पड़ा. सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आती हैं तो उस वक्त आप समझते हैं. अगर आप पहले समझ जाएँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है. तो 2020 से मैंने रेगुलर काम करना शुरू किया है. 2020 से आप देख रहे हैं अभी 21 हो चुका है, 21 का सितंबर आ चुका है. तो मतलब मुझे लग गए 1 साल 8 महीना इस चैनल को मोनेटाइजेशन एनेबल करने में. तो अगर आप रेगुलर काम करते हैं, आपको कितना टाइम लग सकता है मैं आपको बता देता हूं. अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप रेगुलर रहे तो, आपने कंटेंट अच्छा बनाया, रेगुलर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि आपको 1 साल लगेगा. कुछ लोगों का बहुत कम टाइम लगता है. कुछ लोगों का चार से छः महीने लग जाते हैं. मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं 4 से 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. कंसिस्टेंसी रखें, रेगुलर काम करते रहें. आप ये ना सोचें, रिजल्ट का मत सोचें कि मुझे मेरा चैनल कब मोनेटाइज होगा, कब मोनेटाइज होगा. कभी ना कभी तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा. तो आप रिजल्ट की टेंशन मत लें, रिजल्ट आपका मिल जाएगा आपको. अगर मैं रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचता तो मैं 6 महीने के अंदर भाग जाता. काफ़ी यूट्यूबर ऐसे हैं जो 6 महीने के अंदर भाग जाते हैं जब चैनल मोनेटाइज नहीं होता. गाइज, लाइफ में ना कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, उसे आसान बनाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, वो आईसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है काफ़ी सालों से, 10-20 सालों से वो प्रिपरेशन कर रहा है. और एक इंसान है, वो सिर्फ एग्जामिनेशन के वक्त ही पढ़ता है. तो पास कौन होगा, वही जो बहुत सालों से मेहनत कर रहा है. आपको भी हर फील्ड में यही काम करना है. फिर चाहे आप YouTube पर काम करें, फिर चाहे आप Instagram पर काम करें, कहीं पर भी काम करें, आप पेशेंस रखते हुए लगातार काम करेंगे तो उस फील्ड में आप मास्टर बन जाएंगे और उस फील्ड में आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे. फिर चाहे आपको 1 साल लगे 2 साल लगे, जितना भी टाइम लगे, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आप वहाँ पर ज़रूर कामयाब होंगे. सो गाइज, इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आज इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख पाएँ
और मैं तो कोई बड़ा वो नहीं हूँ, बड़ा सुपरस्टार नहीं हूँ कि आप मेरी लाइफ से कुछ सीख पाएँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, छोटा सा एक्सपीरियंस, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको ये एक्सपीरियंस कुछ सीखने को मोटिवेट करेगा। हो सके तो ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करना, ताकि उनकी लाइफ में भी ये वीडियो थोड़ा सा इफेक्ट करने पाए। अगर कोई भी यूट्यूबर बनना चाहता है, किसी भी फील्ड पर वो आगे बढ़ना चाहता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करें। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि इस चैनल पर मैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। और अगर आप चाहते हैं मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो डालूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ, फिर मैं डिसीज़न लूँगा। कमेंट के हिसाब से कमेंट कैसे आते हैं, अगर मैक्सिमम कमेंट आएंगे तो मैं इसका एक पर्टिकुलर डे रखूँगा जिसमें मैं यूट्यूब के बारे में बताया करूँगा। सो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड स्टे ट्यून्ड।